थैंक यू एडवाइजर प्रो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। हेलो वेलकम गाइस, दिस इज रंजीत शर्मा और आप देख रहे हैं टेक एडवाइजर प्रो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme की तरफ से आने वाले बड्स एयर की। ये आते हैं 4000 रुपीज में। इसमें आपको मिलते हैं 3 कलर वेरिएंट्स। तो करते हैं इस वीडियो में इसके कुछ कूल फीचर्स के बाद। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो जो इसका डिजाइन है वो आपको काफी हद तक सिमिलर मिलेगा आईफोन के एयरफोन्स की तरह। और इसका जो प्राइसिंग है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको 5000 के अंडर बहुत सारे एयरफोन्स मिल जाते हैं, बट इसका प्राइसिंग है 4000 रुपीज। और जो इसकी स्पेसिफिकेशंस और जो फीचर्स हैं वो आपको मिलते हैं ऑलमोस्ट 10000 रुपीज वाले एयरफोन्स की तरह। तो ये काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग पार्ट बनता है इस एयरफोन्स का। और अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की और इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो बात करते हैं सबसे पहले कनेक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आपके फोन में ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट है तो यहाँ पर आपको GFP सपोर्ट टेक्नोलॉजी भी इस एयरफोन में मिल जाती है। तो GFP है गूगल फास्ट पेयरिंग सपोर्ट टेक्नोलॉजी, मतलब जब आप अपने फोन से इसे पेयर करेंगे तो ये बहुत ही फास्ट वर्क करेगा और बहुत जल्दी ये पेयर हो जाता है आपके एयरफोन से। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ब्लूटूथ से रिलेटेड फीचर है इसमें, वो है ये आप 10 मीटर्स तक वर्क करता है। आप अपने घर में 10 मीटर्स तक कहीं भी घूम सकते हैं। इसकी जो वॉइस है वो ब्रेक नहीं होगी। अगर मैं वायरलेस एयरफोन्स के बारे में बात करूँ तो 10 मीटर्स आई थिंक इनफ होता है अगर हम यूज़ करें। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट इस एयरफोन में, तो ये किसी और एयरफोन अभी तक आपको नहीं मिला है। जो अगर मैं बात करूँ आईफोन के एयरफोन्स को छोड़कर, तो यहाँ पर मुझे किसी भी और एयरफोन में ये आपको फीचर नहीं दिया जाता है, वो भी इस प्राइस रेंज में। तो ये Realme Buds को काफ़ी ज़्यादा एक प्लस पॉइंट देता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर आपको क्लेम किया गया है कि ये आपको 17 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देंगे। तो यहाँ पर अगर आप यूज़ करते हैं इसको वन चार्ज पे तो ये आपको देते हैं 3 आवर्स का, मतलब आप ऑलमोस्ट अपनी मूवी तो कंप्लीट कर ही देंगे। अगर आप इसे रिचार्ज करते रहते हैं तो ये आपको दे देंगे 17 आवर्स बैटरी बैकअप, जो कि आई थिंक इनफ है आपके यूज के लिए। और इसके बाद आपको मिल जाता है ऑप्टिकल सेंसर डिटेक्शन का इसमें सपोर्ट। तो इसमें क्या होगा कि जब भी आप इसे यूज़ करते हुए निकालेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगी, और आप जब वापस से इसे यूज़ करेंगे तब आपकी जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर फीचर इसमें दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और काफ़ी ज़्यादा एक हाई सेगमेंट में आ जाती हैं ये सब चीज़ें। और इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे लगा कि ये आपको मिलते हैं 3 कलर वेरिएंट्स में, जो कि है येलो, ब्लैक और वाइट। तो यहाँ पर वाइट तो आप पहले से ही आईफोन में देख रखा है, तो यहाँ पर येलो और ब्लैक का मुझे काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंट चीज़ लगी बाकी एयरफोन से। ये काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स मिल जाते हैं रियलमी के एयरबड्स में। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट फीचर है वो है आपकी कॉलिंग के लिए। तो यहाँ पर आपको ENC सपोर्ट मिल जाता है, जो कि है एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो इसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको इस एयरफोन में दो दो माइक दिए गए हैं, फ्रंट एंड साइड है और एक बैक एंड साइड। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये आप जब भी इसमें बात करेंगे तो जो आपके बैकग्राउंड नॉइस होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिड्यूस कर दी जाएगी और आपकी जो वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर आएगी। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है रियलमी के इस एयरफोन्स में। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिन से रेडमी के एयरडॉट्स को, तो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है नॉइस कैंसिलेशन की, क्योंकि जो रेडमी के एयरफोन्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आती है बैकग्राउंड की, और मेरी जो वॉइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं आती है। जो
जिसकी वजह से मुझे काफी बार अपने एयरफोन्स को ऑफ करना पड़ता है और अपने फोन को यूज करना पड़ता है, तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा दिक्कत आती है Redmi के AirDots के साथ। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फीचर आ जाता है वो है इसके टच पैड के बारे में। तो जी हाँ, आपको इसमें टच पैड का भी सपोर्ट मिल जाता है। आप इस पर डबल टैप करके अपने सॉन्ग को प्ले और पॉज भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे कॉल भी अटेंड कर सकते हैं इस एयरफोन से डबल टैप करके। और इसी के साथ जब आप दोनों साइड टैप करेंगे तो आपको इसमें गेमिंग मोड भी मिल जाता है, जिसमें आपको आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है एक नॉर्मल आप यूजेज जब करते हैं उससे। और आप जब इस पर ट्रिपल बार टैप करेंगे तो यहाँ पर आपका जो सॉन्ग होगा वो नेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि जो आपका करंट सॉन्ग होगा स्किप होके नेक्स्ट सॉन्ग पे आप जा सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप इसे प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो यहाँ पर आपका जो गूगल असिस्टेंट है आपके फ़ोन में वो ऑन हो जाएगा और उसे आप कमांड दे सकते हैं। और फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है जिसको आपको प्रेस करना है और उसके बाद आपका जो डिवाइस है वो पेयर हो जाएगा। और ये आपको हर बार करना पड़ेगा जब भी आप किसी एक नए डिवाइस से इसे कनेक्ट करते हैं। और जब आप अपने फ़ोन से इसे कनेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद ये ऑटो पेयर हो जाएगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी GFP का सपोर्ट दिया गया है। तो इसकी वजह से ये आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेयरिंग सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा एक बेनिफिशियल होगा फर्स्ट टाइम पेयर करने के बाद। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसके फाइनली इसके साउंड के बारे में, जो इसके साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। तो Realme Buds Air में आपको मिल जाते हैं डायनामिक बेस बूस्ट ड्राइवर्स, जिसकी वजह से जो आपको यहाँ पर बेस मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड होती है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी और ना ही आपको बहुत कम। तो यहाँ पर जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी मिल जाती है। तो ये है इसका इसकी साउंड क्वालिटी। और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपके आपको पेन कर सकते हैं, या फिर आपको जो दूसरे एयरफोन्स आते हैं उनकी अगर आपको हैबिट है, तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं आईफोन के स्टोर पे जाके आईफोन के एयरबड्स को, तो वहाँ पे अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। नो डाउट ये आपको सेम वही फिटिंग के हैं, तो यहाँ पर आप उनसे एक आइडिया ले सकते हैं कि आपके लिए ये सूटेबल है या नहीं। ये डिपेंड करता है आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे कौन से एयरफोन ज़्यादा कंपेटेबल लगते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं और एक आइडिया ले सकते हैं आईफोन के एयरफोन्स के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये 4000 रुपीज़ में रियलमी के एयरफोन्स कैसे लगे और आपको इसमें से सबसे बेस्ट फीचर इसका कौन सा लगा। और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप को भी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके डायरेक्टली उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।